हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो रेलवे का एक और अपेंडिशिप का फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका आज की इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपका देखा जा रहा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। इससे पहले आपका दो ऑलरेडी रेलवे का अपेंडिशिप आया हुआ है, जिसका आज आपका लास्ट डेट है BLW का। जो लोग भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं, वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक से या फिर आपके ऑफिशियल साइट पे डायरेक्ट जाके BLW का फॉर्म फिल अपेंडिशिप का कर सकते हैं, जिसका आज लास्ट डेट है। और फॉर्म आपका पेमेंट का लास्ट डेट आपका 28 तारीख तक दिया हुआ है। वहीं बात करें आपका एक और फॉर्म है आपका ईस्टर्न रेलवे का, जिसमें टोटल 60 डिवीजन है। इसका अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है और इसका डेट आपका 10 मई के आसपास टेंटेटिव रखा गया है। तो ये दोनों फॉर्म फिल भी आप कर सकते हैं, ये भी दोनों रेलवे के अपेंडिशिप हैं। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि रेलवे के अपेंडिशिप करने से बहुत फ़ायदा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ग्रुप डी में जिसने भी रेलवे से अपेंडिक्स किया है, उनका जो भी ITI का फाइनल मार्क्स था, उसका 1/3 मार्क्स आपको डायरेक्ट रेलवे ग्रुप डी के मेरिट में जुटेगा। जी हाँ, 1/3 मार्क्स, जितना भी आप लोगों ने गेन किया होगा उसका 1/3 मार्क्स रेलवे के फाइनल मेरिट लिस्ट में ही जुड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी अब वैसे कैंडिडेट को नहीं देना पड़ेगा जिन्होंने अपेंडिशिप किया है। तो दो बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से। पहला आपका 1/3 मार्क्स जुटेगा आपका ITI स्कोर, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो। और दूसरा बात यह है कि PET एग्जामिनेशन अब आपको नहीं देना पड़ेगा, सीधे आप CBT एग्जाम दो, उसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद लास्ट में आपका ज्वाइनिंग होगा। अगर BLW और ईस्टर्न रेलवे अपेंडिशिप का वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, वहाँ से आपको फुल डिटेल में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके भी बताया गया है। चलिए फाइनली बात करते हैं इस वाले नोटिफिकेशन में। तो ये आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से देखा जा रहा है। इसमें भी आपको अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल रहा है अपेंडिशिप का। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल साइट पर आओगे, देखिए ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SERC.IndianRailway.gov.in। फिर से एक बार साइट का नाम सुन लीजिए, SECR.IndianRailway.gov.in पे आपको जाना है और आप इस ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाओगे। ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आपको इस वाले कॉलम पे क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट एंड न्यूज़ एंड प्रेस रिले। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा कि रिक्रूटमेंट न्यूज़ प्रेस रिलीज। यहाँ पे आपको देखिए रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको क्लिक करोगे आपके, तो देखिए जैसे ही क्लिक किए आपके सामने वेरियंट टाइप का जो नोटिफिकेशन है, तरह तरह का डिवीज़न ओपन यहाँ पे हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है रायपुर। क्या रायपुर को आपको सेलेक्ट करना है, चलिए रायपुर को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही आप रायपुर सेलेक्ट करोगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक न्यू करके ऑप्शन आ रहा है, न्यू। इसमें लिखा है कि रूल 1962 इन SERC रायपुर एंड वैगन रेल शॉप रायपुर फॉर द ईयर 2022-23 डाउनलोड। और यहाँ पे देखिए इसका ऊपर बताया गया कि एंगेजमेंट फॉर एक्ट अपेंडिशिप अंडर अपेंडिशिप एक्ट 1961 एंड अपेंडिशिप, यहाँ पे सारा कुछ आपका मेंशन किया हुआ है। तो इस चलिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें आपका सारा कुछ बताया गया है। तो देखिए अब हम आ गए हैं फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें आपको सारा कुछ मेंशन किया है। ऑफिस कार्मिक विकास रायपुर मंडल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रायपुर डिवीज़न, यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे, जहाँ पे आपको यह नोटिफिकेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 25/4 यानी कल के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, स्किल इंडिया के तहत है नोटिफिकेशन। चलिए स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप ये नोटिफिकेशन ले सकते हो। देखिए सब्जेक्ट में क्या है कि एंगेजमेंट फॉर एक्ट अपेंडिशिप अंडर अपेंडिशिप एक्ट 1961 एंड अपेंडिशिप रूल 1962 इन SERC रायपुर एंड वैगन रिपेयर शॉप रायपुर फॉर द ईयर 22 एंड 23, 2022-23 के लिए आपको इंडियन रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर एंड वैगन रिपेयर शॉप में आपका अपेंडिशिप का एप्लीकेशन मांगा गया है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू दी वेबसाइट, यहाँ पे देखिए वेबसाइट का पूरा आपको नाम दे दिया गया है, फ्रॉम 25/4/2022 से आपका 24/5/2022, मतलब आपको पूरा एक महीने का समय दिया गया है। 25 अप्रैल से लेके आप 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज ट्रेड अपेंडिशिप अंडर एक्ट अपेंडिशिप एक्ट 1961 इन रायपुर डिवीज़न एंड वैगन रिपेयर शॉप रायपुर फॉर SERC अगेंस्ट द फॉलोइंग
डिजिग्नेटेड ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ आपको ट्रेड के बारे में मेंशन किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड इसमें दिया हुआ है। तो देखिए जैसे ही हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ट्रेड के बारे में, देखिए पहला आपको है DRM ऑफिस रायपुर डिवीज़न, ये आपको नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। बात करें ट्रेड का तो देखिए ट्रेड नेम अनरिजर्व EWS OBC SC ST टोटल PW और एक सर्विसमैन में जितना पोस्ट है यहाँ पे बताया गया है। फाइनली बात करें नंबर वन में तो देखिए वेल्डर, जिसमें गैस और इलेक्ट्रिक दोनों का आता है। अनरिजर्व में आपका 48 सीट है, EWS में 12 है, OBC में 32 है, SC में 18 है, ST में 9 है। टोटल बात करें तो 119 पोस्ट रखा गया है वेल्डर में। वहीं दो नंबर में बात करें टर्नर का तो टर्नर में आपका 76 पोस्ट रखा गया है। वहीं बात करें तीन नंबर फिटर में तो फिटर में आपको 198 सीट रखा गया है। बात करें नंबर फोर इलेक्ट्रीशियन का तो इलेक्ट्रीशियन में 154 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें आपका स्टेनोग्राफर इंग्लिश का, इसमें आपको टोटल 10 सीट देखने को मिलेगा। बात करें नेक्स्ट आपका स्टेनोग्राफर हिंदी से तो उसमें भी आपको 10 सीट देखने को मिल रहा, मतलब चाहे हिंदी का स्टेनोग्राफर हो या फिर इंग्लिश का हो आपको नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सेम 10 10 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें नंबर सेवन का तो ऑपरेटर असिस्टेंट में आपको देखिए 10 सीट इसमें भी देखने को मिल रहा। बात करें नेक्स्ट आपका हेल्थ एंड स्टेशनरी इंस्पेक्टर में आपका 17 सीट देखने को मिल रहा। नेक्स्ट बात करें आपका मैकेनिस्ट में तो इसमें आपको 30 सीट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें मैकेनिकल डीजल से तो इसमें भी आपको 30 सीट मिल रहा। मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में आपको 12 सीट मिल रहा। उसके बाद मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 30 सीट देखने को मिल रहा है। टोटल बात करें तो आपका 696 है, कितना 696 696 सीट देखने को मिल रहा है। PWD में आपका 26 सीट और एक्स सर्विस में इसमें आपका 70 सीट देखने को मिल रहा है। तो आपका 696 में आपको 26 और 70 को ऐड कर देना है, टोटल इतना सीट आपको देखने को मिल रहा है DRM ऑफिस रायपुर डिवीज़न में, ठीक है। अब चलिए अदर वैगन रिपेयर शॉप में बात करके देखते हैं कि वहाँ पर फाइनली कितना वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। वैगन रिपेयर शॉप में जिसका रायपुर डिवीज़न में देखिए इसमें कितना टोटल आपको सीट रिलीज़ किया गया है। तो सीरियल नंबर ट्रेड बाकी कैटेगरी यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है। बात करें नंबर वन फीटर में तो फीटर में टोटल आपको 140 सीट देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं बात करें वेल्डर में तो वेल्डर में भी आपको 140 सीट देखने को मिल रहा है। मैकेनिस्ट से बात करें तो 20 सीट देखने को मिल रहा है। टर्नर से बात करें तो आपको 15 सीट देखने को मिल रहा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन से बात करें तो इसमें भी 15 सीट देखने को मिल रहा। वहीं आपको बात करें ऑपरेटर असिस्टेंट में इसमें 5 सीट देखने को मिलेगा और स्टेनोग्राफर हिंदी में आपको 2 सीट देखने को मिलेगा। स्टेनोग्राफर इंग्लिश का यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाला गया। तो दो डिवीजन देखिए, पहला आपका रायपुर डिवीजन और दूसरा आपका वैगन रिपेयरिंग शॉप रायपुर, दोनों में आपका अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे सीट नंबर ऑफ सीट का बात करें तो 337 337 सीट प्लस आपका 12 सीट हो गया PWD और एक्स सर्विसमैन में आपका 35 सीट हो गया, इतना वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है वैगन रिपेयरिंग शॉप में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपका एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या रखा गया है, कौन कौन से लोग इसको आवेदन कर सकते हैं, क्या एग्जामिनेशन फीस या फिर बोल सकते हैं कि आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगा या फिर नहीं लगेगा। बात करते हैं नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो देखिए उसके बारे में बताया गया कि मस्ट है पास क्लास 10 एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम। 10+2 सिस्टम कहने का मतलब है कि क्लास 8 का भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और 10 का भी होना चाहिए। ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% आपका होना चाहिए क्लास 10th और 8th में। उसके बाद बात करें मस्ट है पास ITI कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, आपको रिलेवेंट ट्रेड में ITI ट्रेड पास होना चाहिए। बात करें आपका एज लिमिट का तो द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर एज ऑफ एस 1/7/2022 एक जुलाई से आपका एज का जो है कंसीडर करके काउंट किया जाएगा। दी अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय द 5 ईयर STSC कैंडिडेट 3 ईयर OBC। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC का बात करें तो 3 साल का छूट दिया जाएगा। वहीं एक्स सर्विसमैन और PWD को 10 साल का छूट दिया जा सकता है। वहीं बात करें आपका कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना के बीच वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए सीरियल नंबर कम्युनिटी और कैंडिडेट हैव बीन बोर्न बिटवीन डेट बर्थ इंक्लूड्स। तो पहला नंबर में बात करें आपका तो अनरिजर्व का देखिए 1/7/1998 से आपका 1/7/2007 तक रहेगा, इसके बीच रहना चाहिए। वहीं अगर दो नंबर में बात करें SC का तो 1993 से आपका 2007 के बीच होना चाहिए। ST का बात करें तो आपका 93 से 2007 के बीच होना चाहिए। OBC का बात करें तो आपका 95 से लेकर 2007 के बीच होना चाहिए। वहीं PWDX सर्विसमैन का बात करें तो 88 से लेकर 2007 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। रिलैक्सेशन एज इज सब्जेक्टेड टू सबमिशन रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पे शो करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको स्टाइपेंड के रूप में कितना दिया जाएगा। तो देखिए द पीरियड ऑफ द एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज एज अपेंडिसिप ऑफ द
दे विल अंडर गो अपेंडिसिप ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल का आपको अपेंडिसिप ट्रेनिंग दिया जाएगा रेलवे की ओर से फॉर इच ट्रेड, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, सभी ट्रेड के लिए। दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर द रूल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, जो भी आपका रूल और रेगुलेशन है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से, उसके अनुसार आपको स्टाइपेंड के रूप में जो भी राशि है वो दी जाएगी। देयर ट्रेनिंग विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर अपेंडिसशिप। जैसे ही आपका जो कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग, तो उसके बाद आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्रिटेरिया ऑफ प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट ऑफ दी सेलेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना कि आखिर किस बेसिस पे सेलेक्शन होगा, 10th बेसिस पे होगा या फिर ITI का ट्रेड जो मार्क्स है उसके अनुसार होगा या फिर दोनों का मार्क्स को एवरेज निकाल के होगा। चलिए वो देखते हैं। तो देखिए उसमें बताया गया है कि द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर प्रिस्क्राइब्ड एज प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट इन सेलेक्शन टेकिंग द एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑप्टेंड बाई द कैंडिडेट इन बोथ मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेटेड एंड ITI एग्जामिनेशन गिवेन इक्वल वेटेज ऑफ बोथ रेलवे एस्टैब्लिशमेंट रूल 2017। कहने का मतलब यह है कि जितना आपका 10th में हो और ITI हो, उसका एवरेज मार्क्स निकाल के उसके अनुसार आपको वेटेज दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। एक मान के चलिए कि आपका 10th का नंबर और ITI का नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दिया जाएगा, जितना भी परसेंटेज आएगा तो उसके अनुसार आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो बहुत का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, नहीं तो सर बहुत सारे कमेंट करेंगे कि मेरा ITI में इतना है, 10th में इतना होगा कि नहीं होगा। आप लोग आवेदन कर सकते हो, चाहे आपका कितना भी नंबर हो, 10th में मिनिमम 50% से ऊपर होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका। देखिए मेडिकल यहाँ पे बताया गया, मेडिकल फिट एग्जामिनेशन में आपको देख लेना, कॉन्ट्रैक्ट में देख लेना, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेड ऑफ एंगेजमेंट में देख लेना, और एक्स सर्विसमैन के बारे में 1-2 पॉइंट बताया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। चलिए स्क्रॉल करके आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या कोई और नोटिफिकेशन है या नहीं है। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि लास्ट डेट आपका कब रखा गया। तो लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 25/4 से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया, मतलब कल से आप लोग को आवेदन कर देना है। उसके बाद लास्ट डेट आपका 24/5/2022 रात के 12 बजे तक रखा गया है। नो फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट रायपुर डिवीजन वैगन रेलवे शॉप रायपुर। आपको कोई भी फिजिकल कॉपी सेंड नहीं करना है, मतलब ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में बताया कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इन नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट, लैंडलाइन नंबर में दिया हुआ है आपको 2 नंबर, और ऑफिस एड्रेस का भी आपको यहाँ पे सारा कुछ मेंशन हुआ है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप लैंडलाइन नंबर में कॉल करके अपना प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हो। कॉल करने का टाइमिंग देख लीजिए, मंडे टू सैटरडे, उसके बाद आपको वर्किंग आवर 10 से लेकर 5:30 बजे शाम तक आपको कॉल करना है। उसके बाद आपको कॉल का रिस्पांस नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ के चेयरमैन हैं, 25/4/2022 के डेट में आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। यहाँ पर सारा जो नोटिस बोर्ड पर इसको लगाया जाना है वहाँ पर सारा का नाम आपको दिया हुआ है। बात करते हैं आपका कि इसी सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर का अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी इसका जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो आई थिंक आप सारा कुछ जान गए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या क्या आपको बताया गया। SERC का वैकेंसी आया है अपेंडिसशिप का, इससे पहले 2 वैकेंसी ऑलरेडी चल रहा है। पहला आपका हो गया BLW का, जिसका आज लास्ट डेट है, और दूसरा बात करें आपका तो ईस्टर्न रेलवे, जिसमें टोटल 60 डिवीज़न आते हैं, उसमें भी आपको अच्छा खासा 2000 से प्लस सीट देखने को मिल रहा। और तीसरा रेलवे वैकेंसी SERC का आ गया है, जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा सीट देखने को मिल रहा, 2 डिवीज़न में आपका भर्ती हो रहा है। तो फाइनली आपको आवेदन कर देना है। इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा आपका ITI और 10th मार्क्स को मिलाकर 2 से डिवाइड करके, मतलब एवरेज आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा एवरेज मेथड से। ठीक है, जो लोग भी चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में करके आराम से इजीली पूछ सकते हो, आपका कमेंट का रिप्लाई 100% किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।